एक ऐसा विषय जिसने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, स्पाय थ्रिलर्स, नॉवेल्स और फिल्म्स बनाने से मजबूर किया। hey, अगर नॉर्थ कोरिया के ट्रूप साउथ कोरिया में जाएंगे तो इसका मतलब है युद्ध छेड़ना। तो फिर से वो वक्त आ ही गया। मुझे फिर से मध्य पूर्व में नौसैनिकों के लिए भेजा जा रहा है। क्या ये एक आदमी या पुरुषों के समूह के लिए संभव है कि दुनिया भर में छोटी छोटी घटनाओं की एक श्रृंखला को ऑर्केस्ट्रेट करें जो हमें युद्ध में खींच सकते हैं? अभी तक कोई भी प्रमुख आतंकवादी पकड़ा नहीं गया है, जिसमें उसके नेता हसन अल शेरी भी शामिल है। आज रात के मिशन में कम से कम दो या तीन आतंकवादियों को मारना या पकड़ना शामिल है। घायल लोगों के लिए डॉक्टर की जरूरत है, ओवर। आप बताएंगे कि मैं किससे बात कर रहा हूं? मैं हूं लेफ्टिनेंट कैलेब जोन्स, यूएस स्पेशल फोर्सेस। उड़ान भर ली है। IS-99 को भी टेक ऑफ के लिए मंजूरी दे दी गई है। अज्ञात रूसी विमान आप यूक्रेनी हवाई क्षेत्र पर अत्याचार कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अपने कोर्स में परिवर्तन करें और इस क्षेत्र को साफ करें। बेटर लुक के लिए बंद होना। जिसके सबसे अधिक विमान हवा में हैं, जिसके कम से कम शहर राख हो गए, क्या वो विजेता कहलाता है? केलेब, सुनो, आपको शहर से बाहर जाना ही होगा। हमले की तैयारी में UH-1। सर, मैं एक बहुत बड़ी वस्तु दिखा रहा हूं जो समुद्र के किनारे से निकल रही है। एक सबमरीन। नेगेटिव, गलत आकार। ये हमारे नीचे से पास आ रहा है। एक सबमरीन हमारे नीचे ही आ रही है। इससे बचने का कोई उपाय बताइए। विशेषज्ञों का कहना है कि ये 24 घंटे से पहले होगा जब भेड़े वास्तव में उत्तर कोरियाई जल में प्रवेश करेगा। इस बीच मध्य पूर्व तेल संकट ने भी एक नाटकीय मोड़ ले लिया।